राइट हाई एवरी वन एंड वेलकम टू देशन नमस्कार हेलो सतब कैसा चल रहा है बच्चों हाउ इज योर ड्रॉपर प्रिपरेशन गोइंग ऑन राइट सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आज मैं आपके लिए वो स्केड्यूल वो टाइम टेबल लेके आया हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो सारा का सारा फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है वो टाइमली खत्म हो जाएगा सो दैट इज

अगले चार से छह महीने में छह महीने में कैसे प्रिडिक्टेबली खत्म कर सकते हो टू स्कोर फुल मार्क्स अगर आपने इसको आइडियली पूरा हंड्रेड परसेंट फॉलो कर लिया तो फुल मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक सकता राइट right? बट वो स्टार्ट करने से पहले गिव मी अट इन द एवरी वन आई सी दैट देर आर ऑलमोस्ट थर्टी पीपल वॉचिंग कमॉन गाइस ओके ऑल राइट प्रणाम प्रणाम सीवी हम भी बिहार से ही हैं कैसन बात सब ठीक ठाक इस बार फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे इस बार फोड़ेंगे है ना ठीक है तो स्टार्ट करें सेशन अगर सीवी मुझे देख पा रहे सुन पा रहा है तो आप सब भी सुन पा रहे हो तो यहां से स्टार्ट करते हैं राइट सो so, ये तो ठीक है आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए तो अगर गूगल या ए ही अपने बगल में बैठा हो तो उससे बेटर क्या हो सकता है बट ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा होना बहुत मुश्किल है राइट तो इसलिए ये जो हम देखने वाले हैं, वो स्केड्यूल बहुत जरूरी है राइट तो यस हां तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल द कमिंग वीडियोस लाइक सेड बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे पास आगे राइट right? रोज पांच बजे मैं आने वाला हूं कुछ ना कुछ लेके जिससे आपका फायदा होगा बट सबसे पहले स्केड्यूल देखेंगे बट उन सारे की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे आपको पता चलता रहे राइट right? कि आप अगर आधा घंटा पैंतालीस मिनट यूट्यूब पे बिताने वाले हो तो आधे घंटे पैंतालीस मिनट में आपको बेस्ट चीज मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो ठीक है ठीक है तो ये है हमारा स्केड्यूल बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग राइट सो ये हमारा स्केड्यूल स्केड्यूल मैंने स्टार्ट किया है जून से ये कहां तक जा रहा है उस मैं थोड़ी देर में, दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ बहुत सारी जगह साथ, साथ करना है अलग अलग नहीं करना है वो तरीका के नहीं मैं पहले पूरा इलेवंथ कर लेता हूं और उसके बाद में पूरा ट्वेल्थ करूंगा वो नहीं काम करेगा राइट अब आपके लिए आप ड्रॉप कर रहे हो आपके लिए इलेवेंथ और ट्वेल्थ अलग अलग कुछ नहीं होता है आपके लिए एक जेई का सिलेबस है और वो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है राइट तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने और ट्वेल्थ लिखा हुआ है राइट लेकिन हमें सब साथ में करना है ठीक है सो पहला पार्ट क्या है कि एक महीने में कम से कम चार चैप्टर का जो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे बाय द वे ये जून से स्टार्ट किया है मैंने अभी आपके पास मई में, में भी एक हफ्ता पढ़ा हुआ है तो जिसने भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है लेकिन उनकी ये जिद है कि इस बार निकालना है हमें नीट मतलब किसका इंतजार कर रहे हो शुरू करो जल्दी से राइट सो so, जून में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैकेनिक से जो आपके सिंपल सवाल है यहां पे मैंने और कुछ ट्वेल्थ के चैप्टर नहीं डाले हैं क्योंकि फिजिक्स जनरली हम सबका स्ट्रॉग सब्जेक्ट नहीं होता है और उसका रीजन ये है उसका मेन रीजन ये है कि हम पहले से ही फिजिक्स को लेकर डरे होते हैं तो इसलिए सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और इनपे अपना कॉन्फिडेंस लेके आएंगे राइट right? इसमें से मेजोरिटी चैप्टर्स आपने कभी पहले पढ़ा होगा तभी कॉन्फिडेंस आ गया होगा राइट right? और शायद आपने उसके बाद वापस उसको नहीं देखा क्यों क्योंकि ये जनरली बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं ठीक है इन्हीं टॉपिक से हम स्टार्ट करके यहां पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे ये सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म करेंगे राइट right? एंड इन सारे चैप्टर्स को करने का एक और फायदा है जितनी भी आपकी मैथ्स की कमियां हैं चाहे वो वेक्टर को लेकर हो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर हो राइट एरिया अंडर द कब्लिक को लेकर हो ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक मैथ्स के होते हैं फिजिक्स के लिए जरूरी होते हैं नीट फिजिक्स के लिए भी वो भी उसमें भी अगर आपको कोई गैप है तो ये चार चैप्टर करते करते वो खत्म हो जाएगा राइट right? वो भी क्लियर हो जाएगा राइट सो जून में यानी कि आज से लेके जून एंड तक आपको ये चार चैप्टर खत्म करने हैं उसके बाद जब हम जुलाई में आएंगे तो जुलाई में आप इलेवेंथ का कंटिन्यू करोगे विथ रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन और ट्वेल्थ स्टार्ट कर दोगे इमीजिएटली विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी राइट ठीक है जून से जुलाई अब यहां तक आपने क्या किया आपने ऑलमोस्ट पूरी मैकेनिक्स कवर कर ली है और ट्वेल्थ के भी जो हैवी टॉपिक्स हैं जो हाई वेल्टेज टॉपिक्स हैं वो भी आपने जो जिन टॉपिक में बहुत सारा कॉन्टेंट है जिनको कवर करने में बहुत टाइम लगता है वो भी आपने स्टार्ट कर दिया है ठीक है सो ये आपका जुलाई तक का प्रोग्राम है अगेन चार चैप्टर एवरी मंथ ठीक है हाय फराद हाय हाय इरफान एडिटर हेलो राइट वेलकम ठीक है तो ये हमारा जून से जुलाई का है ऑगस्ट में जब हम आएंगे तो ऑगस्ट में हम लेवंथ का एक चैप्टर ऑसिलेशन वाला करेंगे ऑसिलेशन वाला चैप्टर कर, करने के बाद आप ये तीन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये तीन मैग्नेटिक्स के चैप्टर आप कर लोगे इसके साथ ही आपने क्या किया इलेवंथ की पहली बुक और ट्वेल्थ की पहली बुक दोनों आपकी खत्म हो चुकी है बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम और जो मैक्सिमम वेटेज है फिजिक्स का जिन फिजिक्स के टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है राइट वो सारे टॉपिक आपके अगस्त तक हो गए याद क्लियर है सबको इसके बाद आगे जाएंगे यहां तक कोई भी सवाल ठीक है फिर से बता रहा हूं जिन लोगों ने अभी, -अभी ज्वाइन किया है राइट सबसे पहला एक महीने में कम से कम चार चैप्टर कवर करने की कोशिश करो, राइट दूसरा इलेवेंथ और ट्वेल्थ साथ में चलना है आपके लिए इलेवेंथ और ट्वेल्थ अलग अलग नहीं है आपके लिए एक फिजिक्स है एक केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है आपको पूरा एक साथ खत्म करना है ठीक है ओके तो अगर ऐसा है तो ये आपका जून जुला, अगस्त जुला का है जून का मतलब ये नहीं नहीं है कि आप जून तारीख को ही स्टार्ट स्टार्ट करोगे आज से अगर आपने ऑलरेडी किया है ऑलरेडी आपके पास स्केड्यूल नहीं था तो आज से आप ये शुरू कर दोगे एक एक चैप्टर में क्या करना है वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा राइट एक एक चैप्टर में हमें exactly ये, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्या करना है उन चैप्टर्स में जिससे कि आपको हंड्रेड परसेंट विश्वास हो जाए कि भाई मेरा ये चैप्टर अब डन है है वो क्या है वो क्या मैं आपको अभी मिनट में बताऊंगा बट उससे पहले ये हमारा ऑगस्ट तक का स्केड्यूल है किसी को कोई भी सवाल चार्ट पे डालो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट अब यहां पर अक्टूबर के बाद महीने नहीं डाले मैंने इसका मतलब ये नहीं कि आगे का टाइम नहीं है बहुत टाइम है ठीक है बट एक बार सेप्टेंबर और अक्टूबर देख लेते हैं ठीक है तो सितंबर में हमने इलेवंथ स्टैंडर्ड में किया बल्क मैटर वाला सो so सॉलिड वो जो जो भी सारे चैप्टर्स हैं वो आपने 11th का किया और ट्वेल्थ नेचर ऑफ मैटर ठीक है तीन ही चैप्टर हैं वो इसलिए है यहां पे तीन चैप्टर क्योंकि क्योंकि जो आपका पिछला है उसमें कुछ ना कुछ बैकलॉग तो होगा ही और वो जो बैकलॉग है वो बैकलॉग आपका फॉर एग्जाम्पल जो भी जून के एंड तक खत्म होना था उसको मैक्सिमम जुलाई के फर्स्ट वीक या वन एंड हाफ वीक के बियॉन्ड मत जाने दो

राइट right? सो so, ये आपका अक्टूबर तक का है नवंबर और दिसंबर यहां पे इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से जो भी आप जब जो आ, आप अपना स्केड्यूल बनाओगे और हर महीने जैसे जैसे उसको मॉडिफाई करोगे बैकलॉग लेके ये आपका नवंबर तक वैसे भी एक्सटेंड होगा बट वी नीड टू टारगेट वी नीड टू मेक श्योर कि ये प्लान जितना हो सके इसी में खत्म हो जाए ठीक है फिर से बता रहा हूं एक चैप्टर पर वीक नो no बैकलॉग्स और अगर बैकलॉग होता भी है तो एक डेढ़ हफ्ते से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए राइट और ये स्केड्यूल में उसको फॉलो करना है ठीक है यहां तक किसी को कोई भी सवाल तो ये हमारा स्केड्यूल है अक्टूबर तक का अक्टूबर के बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा दो मिनट में बट उससे पहले हम जानेंगे कि एक एक चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं ठीक है थीके? ओके थैंक यू फॉर मुझे भी कोई टेंशन नहीं है अगर आप लोग एकदम मोटिवेटेड होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दी है आपने तो मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है मेरे को टेंशन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है आपका एग्जाम खत्म हो चुका है अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप वो डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो या जल्दी से ले लो और पढ़ाई स्टार्ट कर लो टाइम अब नहीं है राइट जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बाद में आपको आसानी होगी ठीक है ओके माइकल लेवन स्टैंडर्ड के लिए भी हम लेके आएंगे बहुत जल्दी राइट बहुत जल्दी बट लेव स्टैंडर्ड के लिए बहुत जरूरी ये है एक काम करते हैं उसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे बट लेव स्टैंडर्ड के लिए जो पहला पार्ट है वो बहुत जरूरी है अगर आपने अपना नीट का टारगेट जो बिठा लिया है बना लिया है राइट तो उसके बाद अभी के लिए मेक श्योर डू नॉट मिस एनी क्लासेस मेक श्योर कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो वो ना आए आपके लिए सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि टेंथ तक आपको कोई डाउट आता ही नहीं था लेवंथ में सडनली बहुत सारे डाउट्स आएंगे और आप उन सबको बैकलॉग में डालना शुरू कर दोगे सो अभी के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि आप जहां भी क्लासेस जा रहे हो जहां भी कुछ जहां से भी आपने पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट करी है वहां डाउट मत आने दो ठीक है मैंने अप, अपनी जेई की तैयारी जो है वो ट्वेल्थ के बाद ही स्टार्ट करी थी उससे पहले ही नहीं करी थी कुछ नहीं किया था जेई के लिए बट वॉट वर्क फॉर मी वॉज और ट्वेल्थ के एटलीस्ट बोर्ड लेवल तक में मेरे को कोई डाउट नहीं था क्योंकि मैंने कोई डाउट रहने नहीं दिया सो ऑल आई हैड टू डू सात आठ महीने ड्रॉप ईयर में मेरे को सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करने थे और कुछ नहीं करना था काफी आसान हो गया मेरे लिए राइट right? सो so, अगर आप अभी लेवेंथ में हो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या स्कूल प्लस कोचिंग या स्कूल प्लस कोचिंग प्लस ट्यूशन जो भी आप आपका वेरिएशन है यहां पे जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां डाउट मत आने दो वहां बैकलॉग मत रहने दो यही दो टिप्स हैं बाकी डिटेल में एक और वीडियो में बात करते हैं तो ये क्लियर है सबको टॉपिक्स के लिए स्केड्यूल राइट right? अगर इस स्केड्यूल को आप हंड्रेड फॉलो कर पाते हो अगेन डिपेंडिंग ऑन की आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो अक्टूबर में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और नवंबर से आप मॉक टेस्ट रिवीजन मॉक टेस्ट रिवीजन मॉक टेस्ट रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो राइट अगर आपका अक्टूबर तक सिलेबस नहीं भी खत्म होता है ज्यादा से ज्यादा एक महीना और तो यहां पे आपके पास बफर है आप एक महीना और ले सकते हो नवंबर अंत तक तक एंड फिर भी आप सिलेबस खत्म कर सकते हो तो हर एक महीने में जो एक एक हफ्ते का आपका एडिशनल बैकलॉग आया होगा वो मैंने एक एक हफ्ते से ज्यादा आगे क्यों नहीं जाने दिया इसलिए क्योंकि वह एक एक हफ्ते का बैकलॉग जो है वो फाइनली आपका नवंबर तक फिर भी खत्म हो जाएगा राइट right? और नवंबर के बियॉन्ड आपका सिलेबस नहीं बचना चाहिए से हम सिर्फ revision, revision, में, के में, आपके पास मान लो 300 नंबर आ रहे हैं साढ़े तीन नंबर आ रहे हैं 400 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें आप और 200 नंबर कैसे लेके आओ हम डिसंबर से सिर्फ उस पर फोकस करेंगे ताकि बाय द टाइम यू रीच अप्रैल जो भी आपका टारगेट स्कोर है छे सौ साढ़े छे सौ सो जो भी आपका टारगेट स्कोर है आप उसके आसपास पहुंच जाओ और वो एक दिन में नहीं होगा अगर आपको लगता है कि नहीं हम सिलेबस आराम से अप्रैल में खत्म करेंगे या मार्च में खत्म करेंगे और उसके बाद एक महीने में कर लेंगे नहीं होगा वो ठीक है सो तो आपके लिए एडवांटेज क्या है आपने ये सारे टॉपिक्स एक बार दो बार पढ़े हुए हैं एक बार इनकी तैयारी करी हुई है फिर से फ्रेश तैयारी करेंगे बट उतना टाइम नहीं लगाएंगे फुल कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करेंगे अब एक चैप्टर को खत्म करने के लिए हमें क्या क्या लगता है उस उससे बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो क्या क्या वो चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो नहीं वो चैप्टर आपने पहले कभी किसी न किसी किताब में किसी किसी लेक्चर में किसी न किसी नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा वो सारे नोट्स इकट्ठा करो जो आपके बनाए हुए हैं या जिनसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो आपके लिए सबसे फेमिलियर मटीरियल है किसी भी नए मटीरियल में जब आप जाते हो तो उसके साथ फेमिलियर होने में फिर से टाइम लगता है ठीक है ये जो टॉपिक्स आप की अपन बात कर रहे हैं अगर ये टॉपिक्स आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपके पास ऑलरेडी उसका फेमिलियर मटेरियल होगा सबसे फेमिलियर मटेरियल क्या है एनसीआर उसके बाद फेमिलियर मटेरियल क्या है जो भी आपने पुराने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे अगर उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास है तो या कोई और रेफरेंस बुक अगर आपने इस्तेमाल करेगी तो वो रेफरेंस बुक अंडरलाइन अगर आपके पास है तो वो सारी किताबें इकट्ठा करो और वहां से कॉन्सेप्ट एक बार फिर से पढ़ो ठीक है जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इस बार आपके पास एडवांटेज क्या है इस बार आपको पहले से पता है कि इस चैप्टर के ये ये टॉपिक्स में आपको जनरली ज्यादा परेशानी होती है सो so ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स आपके एकदम सॉलिड है उनको करना ही नहीं है उनको भी करना है उनको आपने एक बार कर लिया आपको 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 फुल क्लैरिटी आ गई कि हां जो इसमें लिखा हुआ है वो सब मुझे पता था मूव ऑन टू अदर टॉपिक जिस भी टॉपिक में जिस भी टॉपिक में आपको पहले से पता है कि भाई यहां मेरे को इशू आता है यहां मेरे को दिक्कत आती है वहां टाइम ज्यादा स्पेंड करो ठीक है

चाहे वो एनसीआरटी के अंदर है या रेफरेंस बुक्स के अंदर है या फिर जो आपका अगर कोई कोचिंग मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें है हम पहले स्टार्ट करेंगे से पहले सोल्व एक्साम्पल्स ना कि मतलब एक्चुअली सवाल बनाया कैसे जाता है वहां से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आप सोल्व एग्जाम्पल सारे के सारे एक एक करके सॉल्व करोगे देखोगे उन्होंने क्या तरीका लगाया कैसे किया है उन्होंने क्या सॉल्व किया उसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो आप क्लियर करोगे जब आप सोल्व एग्जाम्पल सारा कर लोगे देन यू विल मूव ऑन टू एंड ओवर हियर इन सारे अनसोल्व क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जितने हो सके उतने सवाल आपको यहां पर बनाने हैं जितने सवाल आपके पास पढ़े सब बनाओ जरा सा भी डाउट आ रहा है अगर आज उस पर डाउट आया और बहुत मुश्किल से आपने उस सवाल बुक को बनाया कल फिर से बनाओ फिर से कल डाउट आया परसों फिर से बनाओ तब तक उस सवाल को बनाते रहो जब तक कि आप एक शॉट में वो पूरा सवाल ना कर लो तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं ये बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है इसी में टाइम लगाना है कहीं और टाइम नहीं लगाना है इन्हीं सब चीजों में टाइम लगाना है तो वो जो मैं पूरा एक हफ्ता एक चैप्टर का बता रहा हूं इसीलिए बता रहा ठीक है अब ये जो तीन, दो तीन चीजें आप करोगे इन सब में डाउट्स आएंगे तो वो डाउट्स आपके जैसे ही वो डाउट आते हैं वो डाउट क्लियर होने चाहिए ठीक है तो अगर आपके पास कोई भी डाउट सर्विस है या ओपन चार्ट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हो गूगल यूज कर रहे हो जहां मर्जी जो यूज कर रहे हो डाउट नहीं छोड़ना है ठीक है अगर डाउट की आपको आपको काफी बड़ी दिक्कत है डाउट की डाउट सॉल्व करने का कोई और तरीका आपके पास नहीं है तो कोई ना कोई जगह ज्वाइन कर लो जहां डाउट सॉल्व होते हो बहुत जरूरी

राइट right. उसके बाद आता है चैप्टर वाइज टेस्ट अब ये इसको थोड़ा टेस्ट की तरह से देखना है बेसिकली कि कम से कम साठ सवाल एक घंटा आप कोशिश करो अब होगा क्या होगा ये कि एक घंटे में आप ये साठ सवाल नहीं कर पाओगे आपको ये देखना है कि एक घंटे में आप कितने सवाल कर पाते हो तीस कर पाते हो पैंतीस कर पाते हो स्टार्ट करते हैं वहां से बाकी के सवाल के लिए और एडिशनल टाइम ले लो बट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक घंटे में आप कितने सवाल कर पाते हो एक एक घंटा आपने लगाया आपने साठ में से सिर्फ सिर्फ बीस ही सवाल किए कोई बात नहीं वो बीस का नंबर है अगली बार उसको बीट करेंगे बट उसके बाद आप थो, थोड़ा और एडिशनल टाइम लो बाकी के चालीस जो सवाल है वो सॉल्व करो तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट जब आप कर लोगे अपने आप से पूरा उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें कुछ सवाल आपके एन करें कि अन होंगे वापस से उनके कॉन्सेप्ट में जाओ वो सवाल को ढंग से प्रिपेयर करो एंड दिस इज दी एंटायर पीस ये करने के बाद अब आपको खुद से समरी नोट्स बनाने हैं जो आपके नोट्स हैं बेसिकली हाईलाइट वट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू इन दैट चैप्टर दट यू नीड टू रिमेम्बर ताकि महीने डेढ़ महीने बाद जब आप चैप्टर को रिवाइज करने जाओ तो आपको पूरा इतनी सारी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े तो नोट्स में आप ये भी लिखोगे की इस टाइप का सवाल आता है तो अप्रोच लगानी है या इस टाइप के सवाल में आपको ज्यादा दिक्कत होती है इसमें यह दो तीन चीजों का ख्याल रखना है नोट्स में यह सब भी लिखो इट इज लाइक योर पर्सनल डायरी

माइकल अडल्ट बॉय खान फरहाद, एम टू टेक राघव एवरी वन क्लियर है एक लास्ट वाला पॉइंट यहां पे है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका सिलेबस जो है अक्टूबर में जाके खत्म होगा या नवंबर में जाके खत्म होगा मॉक टेस्ट तब बनाना शुरू नहीं करेंगे अभी से ही हम महीने में कम से कम दो मॉक टेस्ट करेंगे फुल सिलेबस फुल लेंथ क्यों मतलब आपका इश्यू पे क्या होगा कि सर ये बाकी के चैप्टर तो पढ़े ही नहीं है नहीं आपने पढ़े हुए हैं पहले कभी कोई बात नहीं और ये मॉक टेस्ट बनाते रहना इसलिए जरूरी है ताकि बाद में जिन जो चैप्टर आपने अभी तक इस सीक्वेंस में नहीं पढ़े हैं जब आप उन चैप्टर पे पहुंचो तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो कि भाई इस चैप्टर से ना इस टाइप के सवाल आते हैं और मेरे को इन दो सवालों में दिक्कत होती है तो इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है ये जो पॉइंट है ये आज आपको अपने नीट के एग्जाम के बेसिस पे कुछ सारे चैप्टर्स के लिए पता होगा बट बाय द टाइम यू रीच लेट्स से जुलाई अगस्त सितंबर आप भूल जाओगे क्योंकि आप आपने तो काफी सारी चीजें बीच में कवर कर ली ना वो सारी चीजें याद रहेंगी ये कैसे याद रहेगा वो वो तब याद रहेगा अगर आप ये मॉक टेस्ट बनाते रहोगे तो मॉक टेस्ट से क्या होगा दो चीजें होंगी पहला जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हो वो चैप्टर एक्चुअली में कितना कंप्लीट हुआ है वो आपको पता चलता रहेगा और दूसरा जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं खत्म किया हुआ है

तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बाकी का सिलेबस अभी आपने वापस से टच किया है या नहीं किया है ये दो ये दो मॉक टेस्ट हर महीने का फ्रीक्वेंसी आपको अभी से बनाना जरूरी है ये फ्रीक्वेंसी बाय द टाइम यू रीच अक्टूबर इसको अपन दो का चार कर देंगे कि हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट और बाय द टाइम यू रीच डिसेंबर उस चार को हम आठ कर देंगे राइट सो दैट इज द सीक्वेंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो ठीक है सो नवंबर डिसंबर जब आएगा तब उसकी बात करेंगे बट अभी के लिए दिस इज द सीक्वेंस दैट वी नीड टू फॉलो अगर आपने ये दो चीजें करी अगर आपने सिलेबस इस तरीके से फॉलो किया और अपना सिलेबस कंप्लीट करते चले गए सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है ये पहले आठ पॉइंट ये पहले आठ पॉइंट अगर आपने हर चैप्टर के कर लिए हैं हर यूनिट के कर लिए हैं और आप लेट से एक से मान लो एक एक महीना और एक हफ्ते में आप वो पूरा स्केड्यूल फॉलो कर पा रहे हो नवंबर तक आपका सिलेबस गारंटीड खत्म हो जाएगा यू विल हैव ऑल द कॉन्फिडेंस एंड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड आपके पास दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का उसके बाद पूरा टाइम है विच इज ऑलमोस्ट हाफ अयर और क्या चाहिए जो फिजिक्स में कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है एंड खाली फिजिक्स तो है नहीं है अगर आप ये फॉलो करोगे पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो यहां तक किसी को कोई भी सवाल कोई आपका स्पेशल यूनिक सिचुएशन जो आपको लग रहा है यहां से आंसर नहीं हो रहा है चार्ट डालो उसको डिस्कस करते ठीक है इन जनरल जो दो तीन और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं राइट right? कि पहली बात तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी होंगे नए रिसोर्सेज के पीछे मत जाओ अगर आप तैयारी ही आज से स्टार्ट कर रहे हो अपने इलेवंथ और ट्वेल्थ में कोई तैयारी नहीं करी आपके पास कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं है तब ये गेट द बेस्ट रिसोर्सेज कौन सी किताबें चाहिए क्या रिसोर्सेज चाहिए उन सबके एडिशनल वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनको देखो राइट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एट चैप्टर यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है स्पेशली अक्टूबर नवंबर के बाद क्योंकि जो भी आप आज पढ़ रहे हो वो जिंदगी भर याद नहीं रहेगा वो जिंदगी भर के आठ महीने दस महीने बाद भी याद नहीं रहेगा तो रिविजन को एनेबल करने के लिए ये नोट बनाना बहुत जरूरी है और थ्योरी के लिए बेस्ट सोर्स आपका क्या है थ्योरी के लिए बेस्ट सोर्स है एनसीआरटी एनसीआरटी के बाहर नहीं जाना है बाहर अगर, अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ दो तीन चीजों के लिए जाना है दो चीजों के लिए सोल्व एग्जाम्पल्स मोर प्रॉब्लम सोल्व एग्जाम्पल्स मोर प्रॉब्लम सोल्व एग्जाम्पल्स सिर्फ ये दो चीजों के लिए आप एडिशनल रिसोर्सिस ले रहे हो राइट थ्योरी NCRT बहुत है और आखिरी बात है मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट आज से ही हर दो हफ्ते में एक बार शुरू कर दो मॉक टेस्ट का कोई स... जो है गलत टाइम नहीं है कि नहीं अभी ये चार महीने मॉक टेस्ट करके क्या फायदा है मॉक टेस्ट अभी से शुरू करना है फिजिक्स में एक और चीज की जरूरत है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैथ्स जो बेसिक मैथ्स है बेसिक मैथ्स से मेरा मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री राइट इक्वेशन राइट उसके अलावा आपका वेक्टर राइट right? ये जो दो तीन टॉपिक्स हैं थोड़ा बहुत जो डिफरेंशियल राइट right? ये जो दो तीन टॉपिक्स है ये आपका बहुत स्ट्रॉग होना चाहिए बहुत हाई लेवल मैथ्स जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लेव स्टैंडर्ड की मैथ्स है उस लेवल तक हमें नहीं जाना है राइट right? बट ये मैथ्स आपके लिए सिर्फ एक टूल है एक सिर्फ एक औजार है फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने के लिए वो औजार आपका जितना तेज होगा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आपका उतना हाई होगा ठीक है फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होगा जितना कि आपका वो जो जो टूल है वो जितना एफिशियंट जितना शार्प होगा और आपका टूल क्या है मैथ्स तो इसीलिए पहला महीना जो है उसमें हमने सिर्फ सिंपल टॉपिक्स रखे हैं ताकि मैथ्स में कोई भी आपकी कमी हो वो वहां हाईलाइट हो जाए और आपके पास टाइम हो वो सारी की सारी कमियों को दूर करने का राइट right? एंड उसके बाद जैसा मैंने बोला बेसिक्स से स्टार्ट स्टार्ट करेंगे से करेंगे से और उसके बाद ही आगे सवाल पे बढ़ेंगे हम एकदम से सवाल पे जंप नहीं करेंगे कोई भी स्टेप जो मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया वन से लेके एट तक कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है सारे स्टेप जरूरी है ठीक है एंड ये सारा ये जो सारी चीजें मैंने बताई उसमें एक और जो कमी आ सकती है वो आ सकती है किस चीज की कंसिस्टेंसी की किसी ने दो हफ्ते तीन हफ्ते तो फॉलो कर लिया वो चौथे हफ्ते में ना कुछ गैप आ गया था किसी फ्रेंड का कोई बर्थडे या कोई ट्रिप या मम्मी पापा कहीं जा रहे थे कुछ तो इश्यू आ गया था आपके लिए अगले एक साल कुछ नहीं एग्जिस्ट करता पूरे दुनिया में चाहे कहीं वॉर हो रहा है चाहे कहीं फैमिली हो रहा है सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब आते रहते हैं जाते रहते हैं इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूं आपके लिए आपके लिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है ये सारी चीजें आप वापस से करंट अफेयर्स पढ़ लेना नीट के एग्जाम के बाद सब पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या हुआ था दुनिया में बट अगले एक साल ये सब हैं है सबको इग्नोर करो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज बीइंग कंसिस्टेंट और ये सबसे मुश्किल है ये बाकी चीजें जो मैंने बताई तो फिर भी आसान है एक आधे चैप्टर दो चैप्टर चार चैप्टर में आप कर भी लोगे बट सबसे मुश्किल क्या है कंसिस्टेंट Which means, हर एक हफ्ते वही सेम चीज बार बार अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर कवरिंग द बैकलॉग्स फिनिशिंग द नेक्स्ट चैप्टर टेकिंग टेस्ट सॉल्विंग डाउट्स ये हर हफ्ते रोज का रोज करना इसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है तो कंसिस्टेंसी के लिए हम यहां से मोटिवेट करते रहेंगे बट आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि नहीं ये मैं अपने लिए कर रहा हूं वो कब आएगा जब आप अंदर से एकदम दृढ़ निश्चय कर लोगे कि नहीं इस बार तो नीट फोड़ना है ठीक है ठीक है तो सिलेबस एम श्योर आप सबको पता है बट एक बार ये जो ये जो भी प्लान है जो भी चैप्टर वगैरह है वो स्टार्ट करने से पहले नीट का वेबसाइट एक बार फिर से विजिट कर लो और नीट का सिलेबस एक बार फिर से देख लेना अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो जनरली हम जो भी एनसीआरटी में दिया होता है उसी को फॉलो कर लेते हैं उसमें कोई गैप नहीं है नॉर्मली सिलेबस वो सेम ही है बट अभी सिंस आप एक बार फिर से तैयारी कर रहे हो तो वो भी गैप क्यों रखना है अगर छोटा पॉइंट वन परसेंट भी गैप है तो वो क्यों रखना है एक बार उसका सिलेबस देख लो जरूरी है एक बार राइट हाउ मेनी बुक्स डू आई नीड टू फॉलो अब इस, इस सवाल में जो एक प्रॉब्लम है वो ये है हाउ मैनी बहुत सारी बुक्स नहीं फॉलो करनी अपने को क्या बताया मैंने बुक्स अपने को सिर्फ एनसीआरटी और एन के बियॉन्ड जिस भी जो भी किताब आपके पास है जिसमें बहुत सारे सवाल हैं बस वो किताब उठा लो सवाल चाहिए आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग किताब में अलग अलग नहीं होता है और कॉन्सेप्ट हमें एनसीआरटी के बियॉन्ड जाना ही नहीं है ठीक है तो इसलिए बुक्स हमें क्या फॉलो करनी है क्वालिटी एंड लिमिटेड मेरा की वर्ड यहाँ पर लिमिटेड है क्योंकि क्वालिटी आप हमारे पास ऑलरेडी एनसीआरटी में है ठीक है तो लिमिटेड बुक्स ही जाना है इधर उधर पचास से पढ़ोगे और टाइम लगेगा नहीं है इतना टाइम राइट नाउ डू आई आई नीड नीड टू टू मेक मेक नोट्स नोट्स यू योर ओन आपको खुद के नोट्स ही बनाने हैं किसी और के नोट्स बोरो करोगे उसको फायदा हो जाएगा जैसे मुझे बहुत फायदा हुआ लोगों ने बोरो किया तो उनको भी फायदा हुआ होगा पता नहीं मुझे आपको फायदा कैसे होगा अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो अगर आप किसी से नोट्स बॉरो कर भी रहे हो तो ये देखो कि उन्होंने क्या क्या चीजें कवर करी क्या आपने अपने नोट्स में वो चीजें कवर करी कुछ मिस तो नहीं हो गया बट नोट्स खुद के खुद की हैंडराइटिंग में खुद के नोट्स आपको बनाने बहुत जरूरी चीज है ठीक है हा प्रैक्टिस के ऊपर हमने बात करी प्रैक्टिस जैसा कि मैंने बताया पहले डेली के सौ सवाल अब वो सौ सवाल कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे आपको उठाने वो इस होगा हो जो हमने पहले डिस्कस किया बट डेली के सौ सवाल का एक टारगेट बना लो राइट बायो 20 केमिस्ट्री 20 फिजिक्स ये बेर मिनिमम सवाल तो आपको करने ही है अब वो बीस सवाल कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक के किस टाइम पे आप करोगे टॉपिक वगैरह हमारे पास शेड्यूल में यहाँ पे दिया हुआ है टाइम वगैरह आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि भाई आपकी क्लासेस कब हो रही है राइट अब रात में जो है जबकि ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो या सुबह उठ के ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो ये सारी चीजें आपके लिए यूनिक है आपके लिए दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिर्फ टाइम है उस टाइम को आपको बेस्ट तरीके से डिवाइड करना है कि कौन से छः सात घंटे में सो और उसके बाद बाकी कौन कौन से घंटों में मैं क्या क्या एक्टिविटीज करूं आपके लिए वो चौबीस घंटे का एक दिन है राइट तो हमें उस तरीके से फॉलो करना है और ये प्रैक्टिस वाली चीज़ नहीं छोड़नी है आप ऐसा सोचोगे कि नहीं आज तो मैं एक काम करता हूं दो चैप्टर के सीधा कॉन्सेप्ट ही कर लेता हूं आज में खाली आज कॉन्सेप्ट वाला देना है बस बैठ के ना कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे नहीं होगा उससे कुछ राइट right? आप आज सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे आपको लगेगा सारे कॉन्सेप्ट हो गए कल आप सवाल बनाना स्टार्ट करोगे फिर आप वापस जाओगे कॉन्सेप्ट कि नहीं ये तो वापस से रेफर करना पड़ेगा ऐसे नहीं होता है राइट right? एक एक चैप्टर उठाएंगे और एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे राइट right? और तीसरा बात आज हम मे में बैठे हैं आप मुझसे जो दिसंबर में बात करोगे मैं आपको बोलूंगा कि हाँ ये चार टॉपिक छोड़ दो ये छह टॉपिक छोड़ दो ये उन बच्चों के लिए है जो दिसंबर में तैयारी स्टार्ट करेंगे आप वो बच्चे नहीं हो

ठीक है तो कौन से टॉपिक नहीं छोड़ने हैं या कौन से टॉपिक छोड़ने हैं वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे बट आज आज का मेरा मैसेज ये है कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहे हो आप सारा सिलेबस आपको खत्म करना है और आपके पास टाइम है आराम से सबको खत्म करने का ठीक है एंड लाइक आई सेड राइट आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स या सैंपल पेपर्स या मॉक टेस्ट ये सिलेबस खत्म होने का वेट हम नहीं करेंगे ये हम जय कंप्लीट करेंगे हर दो हफ्ते में शुरू में हर दो हफ्ते में ठीक है तो तो पंद्रह जून और तीस जून को आपको दो जो मॉक टेस्ट देने पंद्रह का चौदह या बारह देख लेना आराम से राइट बट हर महीने दो मॉक टेस्ट कंपलसरी है फुल सिलेबस फुल लेंथ तो तीन घंटा बीस मिनट बैठो राइट और सारे के सारे जो सवाल हैं वो पूरा एक फुल लेंथ पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो फिर से बोल रहा हूं कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं इस मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है ये मार्क्स आपका स्टेपिंग स्टोन है तो पहले एक स्टोन पे पैर रखते हैं कोई बात नहीं आराम आराम से चलेंगे ठीक है एंड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बेसिक्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स राइट अब एक और चीज क्या होगी जब आप ये सवाल कर रहे हो और आप ये टेस्ट कर रहे हो तो एक चीज और क्या होगी आपका टाइम बहुत लगेगा राइट right? आपका स्कोर नहीं आएगा राइट लेट्स से एक सवाल पे आप बैठे थे आपको लगता था वो सवाल आता है क्योंकि वैसा ही सोल्ड एग्जांपल आपने किया या कॉन्सेप्ट कर लिया बट अभी वो सवाल हो नहीं पा रहा है राइट सबसे पहली चीज क्या डिमोटिवेट नहीं होना है ये सवाल पे आज आपको नंबर नहीं मिल रहा है आप उसको दो मिनट में सॉल्व करो या दस मिनट में सॉल्व करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल सॉल्व होना जरूरी है राइट right? सो so, पहला पॉइंट ये है कि डिमोटिवेट नहीं होना है आप सवाल सॉल्व करने के लिए ही बैठे हो, सीखने के लिए लिए बैठे बैठे हो हो सीखने अगर पहले से आ आता आपको तो आप यहां नहीं होते ना नहीं आता है तभी तो हम ये ये पूरी तैयारी कर रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है पहली बात हमें पहले से बताया कि हमें कुछ चीजें नहीं आती है और कुछ ही चीजें आती हैं जो नहीं आती है उसमें टाइम लगेगा वो टाइम हम देंगे तो डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है आपके आपके पास हर हफ्ते या हर रोज या हर तीसरे दिन कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो लेके अब हम आते रहेंगे बट आप कब डीमोटिवेट हो रहे हो वो मुझे नहीं पता है वो आपको पता है और आप कब डीमोटिवेट हो गए जब आपके वो, आपके वो सवाल नहीं बन रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आपको याद दिलाओ कि कोई बात नहीं सीखने के लिए बैठे हैं सीखेंगे या तो खुद से सीख लेंगे या किसी से पूछ के सीख लेंगे डाउट मुझे क्लियर करवा लेंगे बट सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ठीक है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जो मैंने इतनी जल्दी जल्दी आपको ये काफी सारी चीजें बता दी ये एक्चुअली ग्राउंड में जब आप अपने घर पे बैठ के रूम में बैठ के टेबल लैम्प के नीचे जब ये आप पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आएंगी वो दिक्कतों से सबसे पहले तो मोटिवेट नहीं होना है अपने आपको बताना है कि हाँ सीखने के लिए ही बैठे और दूसरा और फाइट मारनी और मेहनत करनी है अगर उतने से हो जाता तो पिछली बार ही हो जाता इस बार और करना पड़ेगा तो और करेंगे और हेल्प लेनी पड़ेगी तो और हेल्प लेंगे जहां से जो है जिससे जितनी हेल्प ले सकते हो लो और सारे के सवाल सारे के सारे सवाल जो है खत्म करके आगे बढ़ो तो ये क्लियर है राइट And ये एक जो कंसिस्टेंट पे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि सबसे मुश्किल काम जो ड्रॉप ईयर में होता है वो होता है स्टेइंग कंसिस्टेंट का बाकी सारे ग्रेड्स में ये ये बाकी सारे ग्रेड्स में भी दिक्कत है पर उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर आपको पता है कि आप स्कूल भी जा रहे हो स्कूल के साथ साथ कुछ ना कुछ एक डिसिप्लिन एक रूटीन बना हुआ है यहां पे आपको आपका रूटीन फॉलो करना है तो आपको लगता है कि हाँ थोड़े फ्लेक्सीबल तो हो सकते हैं नहीं हो सकते आप दी ओनली फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू हैव इज

अगर मान लो आप जून के आधे जून में ही ये सारे चैप्टर खत्म कर देते हो थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो बात नहीं बट ये सारे मॉडिफिकेशन आपको अपने हिसाब से करते रहने पड़ेंगे वॉट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो फिनिश ऑफ द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नवंबर 30 नवंबर को आपका ये सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और आपने ऑलरेडी कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट कर लिए होने चाहिए 30 नवंबर को आपको एक्जैक्टली exactly पता होगा कि सारा सिलेबस खत्म होने के बाद और मॉक टेस्ट देने के बाद आपका स्कोर कहां आ रहा है 300 आ रहा है चारो आ रहा है पांच सौ आ रहा है कितना आ रहा है और वहां से फिर हम स्कोर को जहां आप ले जाना चाहते हो वहां लेके जाएंगे आपके पास पूरा टाइम है कोई बोर्ड एग्जाम कोई स्कूल एग्जाम कुछ नहीं है आपके पास सिर्फ यही करना है ठीक है तो ये क्लियर है इसका एक स्क्रीन ले लो जल्दी से मैं हट जाता हूं ठीक है ये जून जुलाई अगस्त और ये आपका सेप्टेम्बर अक्टूबर ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया ये हम आ, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है तो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक वहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा और उसके अलावा ये स्केड्यूल भी मिल जाएगा उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में हम अगले एक से डेढ़ हफ्ते का दो हफ्ते का स्केड्यूल भी पब्लिश करेंगे कि मैं आपको क्या क्या आके इस जैसे पांच से साढ़े पांच या पांच से छह बजे के स्टॉट में एक्जैक्टली exactly क्या कवर करने वाला वालों क्या पढ़ाने वाला वालों ठीक है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपकमिंग सेशन के बारे में पता चलता रहे ठीक है सो एनी क्वेश्चन ठीक है ऑल राइट थैंक यू सो मच गाइस ऑल द बेस्ट अपना ख्याल रखना गॉड ब्लेस यू ठीक है और जो बाकी चीज़ें मैं बोलता हूँ वो भी करते रहना मम्मी पापा से बात करते रहना उनसे सलाह लेते रहना मोटिवेशन बहुत सारा उधर से ही आता है जब मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा ये ले खाना खा ले टेंशन मत ले सबसे बड़ा मोटिवेशन उधर से ही आता है मेरी मम्मी आज भी बोलती है मेरे को कितनी टेंशन क्यों ले रहा है ठीक है तो मम्मी पापा से बात करते रहो उनके साथ कनेक्टेड रहो और ज्यादा से ज्यादा एक साल है आपके पास उनके साथ उनके साथ कनेक्टेड रहो उसके बाद तो बाहर जाना ही है ठीक है और वहां से जो हेल्प मिलेगी वो और कहीं से नहीं मिल सकती ठीक है सो ऑल द बेस्ट टेक केयर गुड केयर ऑफ योरसेल्फ मौसम मौसम भी चेंज हो रहा है तो बीमार नहीं पड़ना है बहुत ही टाइट स्केड्यूल है आपके पास तो बीमार भी नहीं पड़ना है हेल्दी खाना हेल्दी स्लीपिंग एंड हेल्दी स्केड्यूल ठीक है सो दैट इज ऑल टेक केयर बाय बाय